नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फूडी अमित कनपुरिया और आज हम आए हैं वेस्टर्न रोड पे, जहां पे एक इंदिरा गांधी जी की मूर्ति काफ़ी बहुत ही पुरानी है और यहां पे एक भैया हैं जो पूरी कचौड़ी और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आइए आज इनसे मिलते हैं और बात करते हैं क्या बनाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? आप सर यहाँ कब से दुकान ये लगाते हैं? कम से कम 20 सालों से आपकी ये दुकान है। अच्छा अच्छा, तो सर आप प्रॉपर यहीं पे इंदिरा गांधी जी की मूर्ति के पास ही खड़े रहते हैं? मतलब क्या टाइमिंग रहता है आपका? सुबह से 7 बजे से लेकर शहर 3 बजे तक। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक आप इंदिरा गांधी की मूर्ति के नीचे ठेला आपका लगाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं बताइएगा, तो हम दर्शकों को बताते हैं। शादी कचौड़ी है, पिस्ता है, चावल है, जलेबी है, यही सब आइटम बेचते हैं। चावल है, जलेबी है, बथुए की कचौड़ी और खस्ता बस। अच्छा ठीक है, तो आप किस किस रेट पे बेचते हैं थोड़ा आपको बताएंगे? शुरू से हम यही रेट चला रहे हैं, 10 रुपए की 10 रुपए की दो पूरी है, भी है, चावल है 10 रुपए प्लेट। अच्छा, जलेबी है 10 रुपए की 100 ग्राम। मतलब आप देख रहे होंगे कि एक नॉर्मल प्राइस में आप यहाँ पे बथुआ की कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी हर चीज़ खा सकते हैं। तो आज भी आप हमें क्या बना के खिलाएंगे? बथुए की कचौड़ी। अच्छा बनाइएगा, जरा हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। ये देखिए बथुए की कचौड़ी, आटे में पहले से बथुआ इन्होंने मिलाया हुआ है और ये पूरा अच्छे से मिला के अब ये चल रहा है। अपनी ये इन्होंने इसको सिंगल फ्राई किया, अब ये बताओ एक और बना रहे हैं। देख रहे हैं तेल काफ़ी गर्म है और काफ़ी अच्छे से बना रहे हैं इसको, बहुत ही बढ़िया से। इनका हाथ एकदम सेट है, इतनी जल्दी जल्दी ये पूड़ियाँ बेल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देख बहुत ही बढ़िया। आइए जब तक ये पूड़ियाँ तल रहे हैं तब तक हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलता है इनकी दुकान पे। ये आलू की सूखी सब्जी है। ये सर क्या है आपका? रायता देते हैं, ठीक है। ये पूड़ी का इन्होंने डो बना के रखा हुआ है, जो सादी पूड़ी होती है। ये बथुए की पूड़ी का डो बना के रखा हुआ है। ये आपकी सब्जी है, इसमें सर क्या क्या मिला हुआ है? ये छोला है, आलू की सब्जी है, बहुत बढ़िया कलर है सब्जी का, बहुत अच्छा। और इन्होंने जलेबियाँ भी बना के रखी है। और ये चावल आपके अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े चावल है, पुलाव वाला है, हरी मिर्चा भी है। अब ये सब्जी निकाल के दे रहे हैं अपनी। ये आलू और छोले की सब्जी है, इसमें सूखी सब्जी डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं। आइए दोस्तों अब इनकी पूड़ियाँ खा के देखते हैं कैसी बनी है ये बथुए की कचौड़ियाँ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और इसमें जो बथुए का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से मिक्स किया है आटे में बथुए को और ये काफ़ी अच्छे से बनाया है। तो मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप मेस्टर्न रोड पर आते हैं और ये इंदिरा गांधी मूर्ति की तरफ से गुजर रहे हैं तो आप इस शॉप पर ज़रूर आइए और बथुए की कचौड़ियों का मज़ा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को इस साथ शेयर करें। थैंक यू।